बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। शेयर करूँगी आज आपसे कुछ डिफरेंट और ख़ास रेसिपी। जो शेयर करने लगी हूँ आपसे उसका नाम है पोटोहार की मशहूर दाल माश। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और इन्ग्रीडियंट्स भी इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 3/4 कप, यानी एक कप के अगर आप चार हिस्से करें उनमें से तीन हिस्से मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पे इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टेबल स्पून। साथ ही शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सुर्ख होने देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। जैसे ही जीरा फ्राई होगा खुशबू अपनी देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में टमाटर डालेंगे। जी व्यूअर्स, जीरे की खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है। अब इसमें शामिल करूंगी टमाटर, जो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने काट लिया है। दो से तीन मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी टमाटर को ऑयल के अंदर। टमाटर हमारे हो रहे हैं फ्राई, साथ साथ हम इन्हें तोड़ते जा रहे हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। साथ ही शामिल करने लगी हूँ इसमें हरी मिर्च। जो हरी मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ की 2 से 3 लिए हैं। आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर लीजिएगा जितना तीखा आपको पसंद हो। नमक शामिल कर लेते हैं हसबे ज़ायका। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून, बिकॉज़ मैंने जो दाल बॉईल की है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ था, तो इसमें हम नमक की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली रखेंगे। अगर दाल में नमक डाला हुआ हो तो यहाँ पर कम नमक डालना है, और अगर ना डाला हुआ हो तो फिर हसबे ज़ायका आप नमक यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। टमाटर हमारे तकरीबन गलने लगे हैं, थोड़ा सा और मैंने मज़ीद बेहतर कर लो मसाले को, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, टमाटर हमारे काफ़ी गल चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन बनता है 2 टेबल स्पून के करीब। भूनेंगे अभी इस मिक्सचर को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ज़बरदस्त किस्म का मसाला हमारा तैयार हो जाए। ओके जी, देखिए ऑयल हमारा आ चुका है किनारों पे और ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ अजवाइन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्राई होने पे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेन इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब शामिल करके इसे भी भूनेंगे ताकि ये भी अपनी खुशबू दे दे मसाले के अंदर। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिलीव मी, जब आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलना है कि मेथी की खुशबू क्या कमाल दिखा रही है। भुन गई जी मेथी भी और मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उसे भून लिया है। अब मैं शामिल करूंगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ इस सारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट दाल माश। शामिल करते हैं जी। दाल माश को मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये दाल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम, जिसको बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक डाल लिया था। अभी हम इसमें दाल डालेंगे। ये देखिए
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। तो बस रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। चलें मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ चुका है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, मैं इससे पहले ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पर मज़ीद छिड़कूँगी इसकी फिनिशिंग के लिए। और ये आ गई जी हमारी फाइनल फिनिशिंग। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। खास पोटवारी स्टाइल दाल माश तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपकी राय है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ख़ास तौर पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया।